गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? लॉकडाउन का आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ करके आप और बेहतर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं उन एग्ज़ाम्स में निश्चित ही जो वर्ड पावर आप तैयार कर रहे होंगे, जो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ों ग्रामर से संबंधित चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे, ये सारे आपके एग्ज़ाम्स में क्या आने बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रखिए इस चीज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रिवीजन करते हैं, रूम पे जहाँ पे भी आप हो रिवाइज करते रहिए, वो सबसे काम की चीज़ है। जैसे आपने वर्ड्स पढ़ लिए, छोड़ने दीजिए, फिर उन्हें अपनी भाषा में यूज़ करिए इसी वीडियो पर, या अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर से देख लीजिए। टेलीग्राम पे जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, वहाँ जाके क्विज है, वहाँ जाके पूरा PDF फाइल्स वहाँ पे रिवाइज कर लें। हर तरीके से देखें कि क्या जो वर्ड्स आपने पढ़े वो तैयार हुए, क्या कुछ स्ट्रक्चर्स जो आपने जाने वो आपके लिए पॉजिटिव हुए। मींस पूरी कोशिश करें, वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो कोई भी राह आपकी मुश्किल नहीं होगी यदि आप तय कर लेंगे कि नहीं, अब की बार हर हाल में हमको क्या होना है, सफल होना है। ठीक है बच्चों, मुश्किलें कभी भी आपका रास्ता रोक नहीं सकती हैं, अगर आपके अंदर एक कमिटमेंट है कि किसी भी कीमत पे हमको सफल होना ही है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इन चीज़ों को हमको मैनेज करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आज का सेशन आपका है 34th सेशन, 6th जून। ठीक है, और एक नई चीज इसमें जोड़कर हम ले आए हैं ताकि आपको और अधिक चीजें प्रॉफिट में हो, मीन्स बेनिफिट दें आपको, ताकि इसका और अधिक यूटिलाइजेशन आपके एग्जाम्स में हो सकता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहली चीज कोट कह रहे, प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स इजी थिंग्स हार्ड एंड हार्ड थिंग्स हार्ड। बच्चों आप जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, हीला हवाली या टाल मटोल, किसी चीज को डिले करना, कहते हैं ना, नहीं नहीं कल कर दूंगा मैं, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। जब आप दिन धरने लगते हैं, मीन्स किसी चीज पर टाल मटोल की प्रतिक्रिया दिखाने लगते हैं, तो उसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कल पर कोई चीज करना, दिस इज नॉट, क्योंकि कल तो कभी नहीं आता है बच्चों। ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स इजी थिंग्स हार्ड, यानी अगर आपके अंदर टाल मटोल करने की आदत है तो ये चीज जो इजी है ना, वो चीजें भी आपके लिए क्या हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, एंड हार्ड थिंग्स हार्डर, और जो चीजें ऑलरेडी कठिन है वो और अधिक कठिन हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कभी भी दिन नहीं रखिए कि कल से मैं पढ़ लूंगा, परसों से पढ़ लूंगा, अभी तो लॉकडाउन चल रहा था, ये वो, कोई बहाना नहीं बच्चों, लेम एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। एक सफल होने वाले बच्चे के लिए कभी भी कोई लेम एक्सक्यूज नहीं होता है, वो हमेशा अपनी कमियों से सीखने की कोशिश करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि एक कमिटमेंट, एक ऑनेस्टी, एक डिवोशन, एक डेडिकेशन शो करता है और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे बढ़े हम, और ये वर्ड्स सरनम्स के रूप में आपके पास है। पहला वर्ड है आपके पास फार साइटेड, याद है आपको फार साइटेड, जो दूरदर्शी होता है वो फार साइटेड होता है। तो क्या हो जाएगा फार साइटेड का, फार सीइंग हो जाएगा, जो दूर के चीजें देख ले और उसके हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग कर ले, वो फार साइटेड या फार सीइंग होता है। डूम्ड आपको याद होगा, जिसके भाग्य में ही जो लिखा है वो उस चीज के लिए डूम्ड है। डिजर्व याद होगा, जो जिस चीज के काबिल होता है वो डिजर्व करता है, इंक्लूडेड नॉर्मल वर्ड है। लैश आउट याद है आपको, लैश आउट एक फ्रेजल वर्ब के रूप में, क्रिटिसाइज करना भी होता है और हिट करना, मीन्स जोर से मारना भी होता है, या मैंने क्रिटिसाइज के अर्थ में दिया है, यानी लैश आउट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, निंदा करना। ठीक है, अपलॉड आप जानते हैं, प्रशंसा करना होता है, डीरेल कोई कार्य पटरी से उतर जाए, मीन्स ठीक से ना हो तो डीरेल हो जाता है, और डिफर जानते हैं किसी चीज पर भिन्न होना, अलग मत रखना होता है। डूम्ड यहां पर भी है आपका, जो वर्ड यहां दिया गया था आपको, डूम्ड क्या हो जाएगा, डूम्ड का देख के बोल दें, क्या हो जाएगा डूम्ड का, डेस्टिंड, यानी जो चीज भाग्य में लिखा है वो डूम्ड है। नॉर्मली ये नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं डूम को, न कि पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। जैसे एवरीवन इज डूम्ड टू डाई, यानी हर किसी के भाग्य में उसे मरना ही है। ही वॉज डूम्ड टू बी अनसक्सेसफुल, उसके भाग्य में असफल होना लिखा था, दिस इज डूम्ड। एम आप जानते हैं, कंसेंट्रेटेड हमेशा रहना चाहिए, मीन्स हमेशा किसे एकाग्र रहना चाहिए, और प्रीमैच्योर एक नाउन भी हो सकता है और एक एडवर्ब की तरह भी, ly जोड़ देंगे तो एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, इसे प्रीमैच्योरनेस जोड़ देंगे तो भी वो नाउन की तरह काम करेगा। कम्युनिक याद है आपको, कम्युनिक
कोई शासकीय विज्ञप्ति जो होती है मीडिया के सामने, सरकार अगर कोई विज्ञप्ति देती है, कुछ बताती है, तो वह कम्युनिक होता है, एक शासकीय सूचना या शासकीय विज्ञप्ति होती है। तो क्या हो जाएगा आपका ये अनाउंसमेंट, यानी कोई घोषणा, कोई विज्ञप्ति। ग्लोबल याद है वैश्विक के आधार पे होगा, कॉन्फ़िगरेशन याद है किसी चीज की बनावट, उसकी संरचना, उसकी पूरी व्यवस्था जो होती है वो कॉन्फ़िगरेशन होती है। ट्रेडिशनल आपको याद होगा, एडजेक्टिव के रूप में आपका पारंपरिक, परंपरागत। समिट दो होता है बच्चों, एक समिट आपको याद होगा पिनाकल के सेंस में, पीक के सेंस में, जेनिथ के सेंस में, मीन्स चोटी, शिखर के सेंस में, और एक समिट शिखर सम्मेलन होता है, ठीक है, नाउन के रूप में। तो समिट का क्या हो जाएगा यहां पे आपका, कोई है शिखर सम्मेलन के रूप में, वे तो होगा नहीं बच्चों, कलोपी होगा नहीं, लैश आउट होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहां वैसे कोई भी इसका वास्तविक नहीं, शिखर सम्मेलन के सेंस में कोई भी यहां वर्ड नहीं, छोड़ दीजिएगा, लेकिन मीनिंग जान लें आप। वे क्या होता है, तौलना। कलोपी क्या होता है, आम बोलचाल की जो भाषा होती है, आम बोलचाल को या वार्ता को, बातचीत को हम कलोक्वी कहते हैं, और इसी से कलोक्वियल बना है आम बातचीत, आम बातचीत की जो भाषा होती है। ऑब्जेक्टिव आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य होता है, और लैश आउट आपको याद होगा, लैश आउट निंदा करना या जोर से मारना, ठीक है, छोड़ जान लीजिए। समिट यहां शिखर सम्मेलन या किसी शिखर के रूप में यूज किया गया। एनेक्सेशन याद है, महामिलन अर्थात मिलाने का जो कार्य होता है वो एनेक्सेशन होता है, तो क्या हो जाएगा ये एमलगमेशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एनेक्सेशन का प्रयोग वहीं करते हैं जहां किसी जमीन वगैरह को, लैंड वगैरह को फोर्सफुली यानी जबरदस्ती या फिर कहेंगे गलत तरीके से मिलाने का कार्य किया जाता है, वहां पे एनेक्स का या एनेक्सेशन का यूज किया जाता है। कंसर्न याद होगा चिंताओं के सेंस में है। फ्लैग याद होगा किसी चीज में इंटरेस्ट बहुत कम हो जाना, मीन्स डिक्लाइन हो जाना, एक तरह से गिरावट, पतन का सामना करना, ये भी होता है। और फ्लैग में पेनलाइज करना अर्थात एक तरह से जुर्माना लगाना, क्रिटिसाइज करना, इस सेंस में भी होता है। इसुंस इससे बना है बच्चों, इशू से, जारी होने से बना है, तो उसी का नाउन फॉर्म है ANCE। तो इसुंस जारी होने का कार्य, निर्गत होने का कार्य, और अमेलगमेशन मीन्स क्या हो जाएगा, एनेक्सेशन मिलाने का कार्य, ठीक है। आउटडेटेड नॉर्मल वर्ड होना चाहिए अब आपके लिए, आउटडेटेड जो चीज आउटमोडेड हो चुका हो, आउट फैशन हो चुका हो, वो आपका आउटडेटेड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आउटमोडेड। डिस्ट्रॉयड नॉर्मल वर्ड है, नष्ट होने के सेंस में। सबमिटेड किसी चीज को सबमिट कर देना, मैं स्वीकार कर लेना, दे देना, ये होता है। डिक्लेयर आप जानते हैं, और ये बच्चों आज आपके सामने मेरा वर्ब सफिक्स, यानी आपने नाउन सफिक्सेस पढ़ लिए, एडजेक्टिव सफिक्सेस पढ़ लिए, और ये आपके वर्ब सफिक्स तैयार कर लें। किसी शब्द के अंत में ईडी है तो नॉर्मली वो वर्ब के रूप में कार्य करेगा, ईएन है तो वो वर्ब के रूप में कार्य करेगा, आईएनजी है तो वर्ब के रूप में कार्य करेगा, आईएसई या आईजेडई है तो वर्ब के रूप में काम करेगा, एटीई है तो हमेशा नहीं बट नॉर्मली वर्ब के रूप में काम करेगा, एफवाई या आईएफवाई है तो वर्ब के रूप में कार्य करेगा, ISH है तो हमेशा नहीं बट वर्ब के रूप में कार्य करेगा, ER है तो हमेशा नहीं बट वर्ब के रूप में कार्य करेगा। पहले शुरू से देखते हैं बच्चों, ये जो ED है आपका, ये आपका यहाँ पास्ट टेंस में मैंने दिया है, यानी अगर ये पास्ट टेंस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वार्न में ईडी वार्ड तो पास्ट इनफिनिट हो जाएगा, कॉल में कॉल्ड पास्ट इनफिनिट हो जाएगा, रूल में डी रूल्ड पास्ट इनफिनिट हो जाएगा, विश में ईडी विश्ड पास्ट इनफिनिट हो जाएगा, ग्रीट में ईडी ग्रीटेड। लेकिन ध्यान रखें अगर इसको आप एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो फिर ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, और अगर आप एक वाक्य में टेंस के आधार पर यूज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। ईएन क्या होता है, बहुत सारे शब्द, देखिए शॉर्ट में मैंने ईएन जोड़ा, ब्लैक में ईएन जोड़ा, स्ट्रेंथ में ईएन जोड़ा, लाइट में ईएन जोड़ा, ये सारी वर्ब्स हो गई सारे। देखिए शॉर्ट एडजेक्टिव है, ब्लैक एडजेक्टिव है, स्ट्रेंथ लेकिन नाउन है आपका, लाइट आपका एडजेक्टिव है, तो इसमें ईएन जोड़ करके क्या बना दिया गया आपको, वर्ब बना दिया। जैसे और आप ले लें ये थिक, आप जानते हैं ना थिक, ईएन जोड़ दीजिए थिकन हो जाएगा, यानी मोटा बना देना किसी चीज को, दिस इज वर्ब ईएन से। ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं हमेशा, अब जैसे ये वर्ड है आपका चिल्ड्रन, यहां भी ईएन है तो वर्ब नहीं हो जाएगा,
प्रश्न ये कैसे हम जाने, बच्चे इतने समझदार हैं आप अपने पर भरोसा नहीं करते हैं, बस आप इतने समझदार हैं चीजों को मेहनत करेंगे, रिसर्च करेंगे, थोड़ा बहुत उस पर सोचेंगे तो समझ जाएंगे। प्रश्न कैसे पहचानेंगे, तो अगर ई एन है तो आप ये देख लें कि वो शब्द वर्ब की तरह कार्य कर रहा है कि नहीं। अगर वो वर्ब की तरह कार्य कर रहा है मीन्स कोई कार्य कर रहा है या हो रहा है तो वर्ब की तरह हो जाएगा, और अगर वो कोई व्यक्ति वस्तु स्थान घटना कार्य विचार की बात कर रहा है तो फिर वो नाउन हो जाएगा। ऐसे भी पहचान सकते हैं आप। अब यहां आई एन जी, यहां भी वही चीज आएगी, सोच की बात है। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कोई वर्ड डिसमिसिंग, ठीक है, डिसमिसिंग, ये क्या क्या हो सकता है बच्चों, ये एक जीरंड भी हो सकता है। हो सकता है कब, जब ये एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के रूप में काम करेगा। ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है मींस नॉन फाइनाइट हो सकता है। कब, जब ये एक एडजेक्टिव की तरह या मेन वर्ब की तरह कार्य करेगा। तो अब आपको ये बस समझना है कि वो आई एन जी फॉर्म किस रूप में है। अगर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के रूप में है इसका मतलब वो जीरंड की तरह कार्य कर रहा है, फिर वो वर्ब या एडजेक्टिव नहीं होगा। और अगर वो एडजेक्टिव या वर्ब की तरह कार्य कर रहा है इसका मतलब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। अर्थात इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई एस ई आई जेड ई जैसे यहां पे है, जैसे रियलाइज में एस ई है तो यहां पे जेड ई है, क्रिटिसाइज में एस ई है तो यहां पे जेड ई है। प्रश्न ये अंतर क्या है बच्चों, नॉर्मली जो आई एस ई होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश का होता है और जो आई जेड ई होता है वो अमेरिकन का होता है, लेकिन आपको जो प्रीफरेंस देनी होती है वो आई एस ई को देनी होती है, ना कि आई जेड ई को। माने दोनों हैं बट आप आई एस ई को प्रेफरेंस दीजिए। ए टी ई क्या हो सकता है, दोनों तीनों हो सकता है बच्चों। यह एक नाउन भी हो सकता है, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है और एक वर्ब भी हो सकता है। तो फिर हम कैसे समझें कि यह वर्ब कैसे होगा, जैसे ही आप समझ लें कार्य कर रहा है, जैसे क्रिएट निर्माण करना तो वर्ब हो जाएगा, नॉमिनेट नामित करना वर्ब हो जाएगा, एसोसिएट जोड़ना वर्ब हो जाएगा, मैंडेट अधिकार देना तो वर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर यही नॉमिनेट या एसोसिएट या मैंडेट किसी और अर्थ में, जैसे यहां एसोसिएट है, ठीक है, अब एसोसिएट का अर्थ अगर मैं सहयोगी के अर्थ में लूं तो सहयोगी वर्ब तो होगा नहीं आपका, सहयोगी कोई व्यक्ति होगा ना, तो अब अगर इसके आगे कोई नाउन हो जाएगा तो फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर इसके पहले इसके बाद कोई नाउन नहीं है या अकेले यूज किया गया तो नाउन की तरह यूज हो जाएगा। ऐसे पहचान सकते हैं। आई एफ वाई एफ और एफ वाई क्या होता है, वर्ब होता है, कोई दिक्कत नहीं। ब्यूटी में आपने आई एफ वाई ब्यूटीफाई बना दिया, मोडिफाई क्लैरिफाई एम्पलीफाई पैसिफाई वेरीफाई है ना, रेक्टिफाई, ये सारी क्या है वर्ब्स हो जाएंगे। आई एस एच क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है बच्चों। जैसे आपने चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड में आई एस एच जोड़ा, ये वर्ब नहीं होगी, ये आपने चाइल्ड में आई एस एच जोड़ा हुआ है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं ऐसे, जैसे आपने वर्ड्स लिए डिमोलिश, अब यहां भी एस एच है लेकिन इसका जो अर्थ है दोनों का फर्क देखें। चाइल्डिश का अर्थ है बच्चों जैसा, कोई कार्य तो हो नहीं रहा है, लेकिन डिमोलिश मीन्स ढहा देना गिरा देना, तो ये तो कार्य हो रहा है ना, तो ऐसा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आई एस एच लास्ट में है तो वर्ब हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है, उसके फंक्शन के आधार पर आप पहचान सकते हैं। ई आर भी ऐसे ही है, अगर ई आर जैसे इंजीनियर में भी लास्ट में ई आर है लेकिन वो नाउन है क्योंकि उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है बच्चों, लेकिन जैसे स्कैटर में ई आर है तो स्कैटर में बिखेर देना, क्वीवर कांपना, फाल्टर लड़खड़ा कर चलना, शैटर चकनाचूर कर देना, मस्टर इकट्ठा करना, वंडर आश्चर्य करना, इनमें क्या कर रहे हैं आप, कोई कार्य कर रहे हैं तो ये ई आर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आइडेंटिफाई करेगा, मेहनत करेगा, मैं जो बोला हूं आप उसके रिकॉर्डिंग सुन के भी आप क्या कर सकते हैं, चीजों को और बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी मैंने कहा था, जिन बच्चों का छूट गया होगा, सारे एडजेक्टिव सफिक्सेस जो यहां पे हैं वो देख लीजिएगा, हिंदी भी है पूरा, वर्ड्स भी हैं, अच्छे से सोचिएगा। ठीक है, यहां सारे नाउन सफिक्सेस मैंने दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पूरा फिर से देख लीजिएगा, जिनका छूट गया होगा शुरू से देख लेंगे। इसके पहले वाले शेट में यानी 31st में भी मैंने पूरा, या 32nd में पूरा मैंने दिया था, वहां से देख लीजिएगा। और आपकी मेहनत बच्चों ये आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सारे वर्ड्स की पहचान करिएगा बच्चों। ठीक है, अगर आप अच्छा बनना चाहिएगा, अगर आप चाहिएगा मैं आपसे खुश रहूं, आप पे सोचूं कि आप मेहनत कर रहे हैं,
तो फिर आप इस सारे वर्ड्स पहचानिएगा, जैसे ए जी ई आपने बॉन्ड में देखा, तुरंत कह दीजिएगा ये क्या है, नाउन है। एम्पलीफाई में आपने आई एफ वाई देखा, तुरंत कह दीजिएगा क्या है, वर्ब है। क्रिटिसाइज में आपने आई एस ई देखा, तुरंत कह दीजिएगा वर्ब है। प्राइवेसी में ए सी वाई आपने देखा, तुरंत कह दीजिएगा नाउन है आपका, ठीक है। ऐसे आप मुझे जरूर बताएं कोई वर्ड जो आप नहीं समझ पाइएगा बताएगा, लेकिन अगर आप ही करेंगे तो आपकी पूंछ ही बनेगी बच्चों, जरूर करिएगा, लापरवाही नहीं करिएगा। मैं फिर कहूंगा लेम एक्सक्यूज नहीं करिएगा, झूठे बहाने नहीं, सर ये हो गया वो हो गया, आप मेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे, अपने माता पिता का नुकसान नहीं करेंगे बच्चों, अपना करेंगे, भविष्य तो आप ही को बनाना और बिगाड़ना, ठीक है। इंग्लिश में कहावत है, यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, मेक इट और मार इट। आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं, इसे बना भी सकते हैं बिगाड़ भी सकते हैं बच्चों, ठीक है। जरूर तैयार करें, सारे वर्ड देखें, कोई भी वर्ड में दिक्कत होगी मेरे से बताइएगा कमेंट्स में, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत होगी मैं आपको शेयर करूंगा। ये मैंने आज एक नया सेक्शन जोड़ा बच्चों, जो कई दिन से मैं सोच रहा था, टूडेज स्पेशल यूज के नाम से, ठीक है। ये आज मैंने बट को आपको दिया कि बट कैसे कैसे प्रयोग होता है, तो बट एक कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है जो आप बचपन से जानते हैं, लेकिन के अर्थ में, जैसे ही केम वह आया, बट लेकिन हिज ब्रदर डिड नॉट लाफ, लेकिन उसका भाई हंसा नहीं। यहाँ बट किस रूप में है, देखिए बट के पहले भी एक क्लॉज है और बट के बाद भी एक क्लॉज है, यानी बट यहाँ कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। एक बट जो होता है एक प्रीपोजिशन के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन प्रीपोजिशन के अर्थ में क्या हो जाएगा, के सिवाय, अर्थात यहां पर ये इस सेंस में हो जाएगा, बारिंग या एक्सेप्ट के सेंस में हो जाएगा, ठीक है। के सिवाय, इसकी पहचान कैसे करें कि इसके बाद केवल एक नाउन या नाउन फ्रेज रहेगा, पूरी क्लॉज नहीं आ सकती, एक नाउन या नाउन फ्रेज रहेगा, तुरंत कह दें बट क्या है वहां पे आपका, एक प्रीपोजिशन है। जैसे दिस लेटर इज नथिंग बट एन इंसल्ट, बट के बाद देखिए क्या है, केवल एक नाउन फ्रेज है, यानी यह लेटर कुछ और नहीं है सिवाय एक बेइज्जती के, ठीक है। यहां बट क्या है, प्रीपोजिशन। यहां भी देखें, एवरीवन केम हियर, हर कोई यहां पर आया, बट हिम, बट के बाद देखें क्या है, नाउन फ्रेज है, यानी केवल प्रोनाउन है, तो आप तुरंत कह सकते हैं यहां बट क्या है, प्रीपोजिशन है। एग्जाम में कैसे दे देगा बच्चों, हिम के बजाय यहां पे क्या लिख देगा, ही, तो गलत है ना, क्योंकि आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, न कि नॉमिनेटिव केस, ठीक है। ऐसे आप अपना क्वेश्चन कॉमन एरर वगैरह भी इंप्रूव कर सकते हैं। एक प्रोनाउन के रूप में भी आपका बट यूज होता है, ठीक है, कम बच्चे आप में जानते होंगे, जान लें आज, एक बट जो होता है वो प्रोनाउन के अर्थ में भी होता है, जिसका अर्थ जो डॉट डॉट नहीं, यानी उस प्रोनाउन के अर्थ में नहीं खुद ही जुड़ा होता है। अगर आप लोग सर हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रोनाउन है, बिल्कुल आसान बच्चों, देखें अगर आप बट के बाद कोई क्लॉज देखें, तुरंत कहते बट क्या है, वहां पे कंजंक्शन है। अगर बट के बाद आप कोई नाउन या नाउन फ्रेज देखें बच्चों, तुरंत कह दें वो क्या है, वहां पे प्रीपोजिशन है। और अगर बट के बाद आप कोई वर्ब देखें, तुरंत कह दें क्या है, वहां पे वो आपका एक प्रोनाउन है। ऐसे पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक प्रोनाउन के रूप में भी, अब एग्जाम में देखें इसका फायदा क्या है बच्चों, मैं आपको एक वाक्य दे रहा हूं, एक मिनट बस देखें, एग्जाम में आपको ऐसे दे देगा, चले ऐसे लिख दिया हूं मैं, देर वॉज नो बडी बट कुड नॉट हेल्प हिम, ठीक है। ये वाक्य गलत है बच्चों, पहले आप देखें बट के बाद क्या यहां पे है, कुड नॉट हेल्प है ना, इसका मतलब बट यहां प्रोनाउन के अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो अगर बट प्रोनाउन के अर्थ में प्रयोग किया गया है तो फिर बट तो खुद ही नेगेटिव होता है, नॉट के साथ जुड़ा होता है, तो फिर यहां नॉट की आपको कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है, एग्जाम में आपके काम आएगा। और बट एक एडवर्ब के रूप में भी काम होता है, मतलब यूज होता है बच्चों, बढ़िया चीज है, जाने आप अलग रहेंगे तभी आपकी पहचान होगी, ध्यान रखिएगा। तो एज एन एडवर्ब भी यूज होता है, और एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ केवल भी होता है और बहुत अधिक भी होता है, यानी केवल के सेंस में भी और बहुत अधिक के सेंस में एडवर्ब रूप में प्रयोग होता है। मैंने दोनों के एग्जाम्पल दिया, ही इज बट अ चाइल्ड, यहां बट का मतलब क्या है बच्चों पता है, यहां बट का अर्थ है मेयरली, यानी ही इज मेयरली अ चाइल्ड, वह केवल एक बच्चा है, ये अर्थ हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल देखें, गेट देयर बट फास्ट,
यानी वहां जाओ बट फास्ट, यहां फास्ट के पहले बट है ना, एक एडवर्ब के पहले यहां पे है, तो फिर बट यहां क्या हो जाएगा, बट का सेंस यहां पे वेरी, यानी यह इंटेंसिव वर्ब का काम कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है, तो गेट देयर वेरी फास्ट यहां बट का एडवर्ब के रूप में और यहां भी बट का एडवर्ब में। मेरी आवाज सुन के भी बाद में आप इसे अच्छे से सुन करके तैयार करेंगे तो आप बहुत सारे टीचर्स से भी क्या रहेंगे, आप अलग रहेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो क्या आपका सेक्शन हमारा है, पहला वर्ड है रिटेलिएटरी। वर्ड आप जानते होंगे, पहला वर्ड ये होता है रिटेलिएट। रिटेलिएट वर्ब है बच्चों, देखिए एटीई है ना, तो रिटेलिएट वर्ब है, रिटेल में प्रतिकार करना, जैसे कोई एक्शन ले रहा है आपके खिलाफ और आप जवाबी कार्यवाही कर रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं, तो आप रिटेलिएट कर रहे हैं, अर्थात उसी से ओ आर वाई आपको क्या बनाया गया, एक नाउन बनाया गया। रिटेलिएटरी मीन्स प्रतिकार का, अर्थात एक तरह से प्रतिकार, तो रिवेंजफुल है आप रिप्राइजल हैं, आप रिटेलिएशन शो कर रहे हैं, आप रिवेंज ले रहे हैं, आप टिट फॉर टैट कर रहे हैं, आप रिट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप वेंजियंस ले रहे हैं, आप वेंजफुल हो रहे हैं, इसे हटा दें बच्चों, आप काउंटर वायलेंस कर रहे हैं, ये सारा क्या है आपका नाउन का काम करेगा। बच्चों आप जानते होंगे शायद, जैसे ये आप जानते हैं ना टिट फॉर टैट होता है, वैसे ही ब्लो फॉर ब्लो होता है, वैसे ही आई फॉर आई होता है, और वैसे ही ब्लड फॉर ब्लड होता है, और सबका अर्थ एक ही है, जैसे को तैसा, ठीक है। तो कहीं भी रिटेलिएटरी अगर लिखा है तो रिटेल मीन्स क्या हो जाएगा आपका, एक वर्ड प्रतिकार से संबंधित हो जाएगा, मीन्स बदले से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहां ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया इन्वेशन से पहले, बट एक नाउन की तरह यूज होता है। रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन क्या होता है आपका, टी आई ओ एन है ना, रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध को कहते हैं, ठीक है। जब आपके किसी कार्य पर कोई सीमा निर्धारित कर दी जाए तो वो रेस्ट्रिक्शन होता है, एक प्रतिबंध होता है, एक लिमिटेशन हो जाता है, एक लिमिट हो जाती है, एक कॉन्स्ट्रेंट हो जाता है, एक कंट्रोल हो जाता है, एक चेक हो जाता है, और कर्व आपने पढ़ा था, तो रेस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध। सारे वर्ड्स अच्छे से देखा करें, सब वर्ड्स तैयार करें आप धीरे धीरे। एस्केलेट भी आपने पढ़ा था, जब कोई प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ रही होती है तो वो एस्केलेट कर रही है, मीन्स वो मैग्नीट्यूड की तरफ जा रही है, इंटेंसिटी की तरफ जा रही है, तो वो एस्केलेट कर रही है, यानी वो सोर कर रही है, वो रॉकेट कर रही है, वो शूट अप कर रही है, वो माउंट कर रही है, वो सर्ज कर रही है, मीन्स बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रही है, एस्केलेट। जैसे दो देशों के बीच में तनाव जो है वो एस्केलेट कर रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है, और वो तनाव डी एस्केलेट कर रहा है, तो तनाव क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। होस्टाइल आप शायद पहले से भी जानते होंगे, होस्टाइल क्या होता है, विरोधी, एक एडजेक्टिव के रूप में आप यूज करते हैं, एस्केलेट एक वर्ब है, इसी में आई ओ एन जोड़ देंगे, एस्केलेशन ये क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। तो होस्टाइल आपका एडजेक्टिव है, विरोधी के सेंस में, जब किसी के प्रति आपके मन में बहुत विरोधी भावनाएं होती हैं तो आप उसके प्रति होस्टाइल फीलिंग्स रखते हैं, तो आप बेलिकोश होते हैं, झगड़ालू होते हैं, पगनेसियस होते हैं, चिढ़े होते हैं, मिलिटेंट होते हैं, लड़ाका होते हैं आप, ट्रकुलेंट होते हैं, मीन्स लड़ाका होते हैं, कॉम्बैटिव होते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, वार लाइक होते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, मेलिवोलेंट होते हैं, गलत भावना रखते हैं, मेलिसियस होते हैं, दुर्भावना रखते हैं, वीसियस होते हैं, दुर्भावना रखते हैं, ठीक है। अर्थात होस्टाइल मीन्स क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। ये आपका एडिटोरियल में यूज किया गया था, रिविजनिस्ट पावर या रिविजनिस्ट स्टेट, यानी एक ऐसी पावर या एक ऐसा स्टेट जो किसी चीज में संशोधन करना चाहता हो, परिवर्तन करना चाहता, एक लीक पर न चलता हो, वो रिविजनिस्ट पावर या रिविजनिस्ट स्टेट कहलाता है, मींस संशोधित करने वाला, अर्थात डीबंकिंग है वो, और डी मींस सेटिस्फाइंग है आपका वो हर्मेंटिकुलर है वो, यानी रीइंटरप्रेटिंग है वो, अर्थात किसी चीज को वो बार बार चेंज करता है वो, ठीक है, बदलता रहता है वो।
और ये आपका एक एडजेक्टिव रूप में आप यूज किया गया, लेकिन आप सोच सकते हैं अगर पावर स्टेट है तो यहाँ पे आपका ये नाउन की तरह, अगर रिवेजनिस्ट लेंगे वह भी नाउन है, पावर भी नाउन है और स्टेट भी क्या है, नाउन है। एंटेंगल एक वर्ब के रूप में, एंटेंगल क्या होता है, उलझा देना, फंसा देना, जब आप कुछ चीजें आपस में उलझ जाती हैं तो वो एंटेंगल्ड हो जाते, ठीक है। तो एंटर्ट विन करना, एंट्विन करना, टैंगल करना, एंटर ट्विस्ट करना, ट्विस्ट करना, ट्रेवल करना, स्नॉर्ल करना, नॉट करना, क्वाइल करना, मीन्स क्या कर देना, उलझा देना। इतने सारे वर्ड्स बच्चों अच्छे से देखा करेंगे तैयार हो, लेकिन वर्ड्स तभी तैयार होंगे जब आप उन्हें अपनी भाषा में यूज करें या ये सारे वर्ड्स एडिटोरियल वगैरह में, पैसेज वगैरह में क्या करें, पढ़ें आप, तभी आप उनका प्रॉपर यूज कर पाएंगे। आइडियोलॉजिकल समझते होंगे, ये एडजेक्टिव है आपका, आइडियोलॉजी में ए एल जुड़ा हुआ है तो एडजेक्टिव हो गया। आइडियोलॉजिकल समझ, आइडियोलॉजी से बना, आइडियोलॉजी किससे बना है, आइडिया प्लस लॉजिक। आइडियोलॉजी क्या होता है, विचारधारा को कहते हैं, तो आइडियोलॉजिकल क्या होता है, आपकी विचारधारा से जो संबंधित होता है वो आइडियोलॉजिकल होता है, यानी ये आपकी बिलीफ से संबंधित है, आइडियाज से संबंधित है, आइडियल्स से संबंधित है, प्रिंसिपल से संबंधित है, डॉक्ट्रिन से संबंधित है, क्रीड से संबंधित है, क्रेडो से संबंधित है, टीचिंग से संबंधित है, डॉगमा से संबंधित है, थियरी से संबंधित है, थिसिस से संबंधित है, टिनिट्स से संबंधित है, कैनन से संबंधित है, अर्थात आपके विचार, आपके सिद्धांत से जो संबंधित होता है वो आपका आइडियोलॉजिकल व्यू होता है आपका, ठीक है। प्रॉग्मेटिज्म क्या होता है, कोई व्यवहारिक दृष्टिकोण जो होता है, मीन्स कोई प्रैक्टिकल अप्रोच जो होता है वो प्रॉग्मेटिज्म है, नाउन के रूप में देखिए आईएसएम है ना, यानी प्रॉग्मेटिज्म क्या हो जाएगा, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण, प्रैक्टिकल अप्रोच यानी एक रियलिस्टिक अप्रोच, एक हार्ड नोज्ड अप्रोच, एक प्रैक्टिकल अप्रोच, एक हार्ड हेडेड अप्रोच जो होता है वो क्या होता है, प्रॉग्मेटिज्म होता है, ठीक है। और ये आपका एडिटोरियल आज का है, स्काई रॉकेटिंग टेंशन ऑन यूएस चाइना टाइज। बच्चों एडिटोरियल पढ़ने से पहले ना आप सोच रहे होंगे वर्ड्स बहुत कठिन होते हैं, अभी देख रहे हैं अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको बहुत आसान लगने लगेंगे, क्यों, क्योंकि आप रेगुलर ये वर्ड्स पाते रहेंगे, रिवीजन होता रहेगा, इसलिए जरूर तैयार करें, मेरे से पढ़ें बच्चों, किसी से पढ़ें, आपको पढ़ना चाहिए, बस तैयार करना चाहिए, जहां भी आप लगे आपको बेहतर समझ में आ रहा है आप वहां हमेशा तैयारी करें अपने। स्काई रॉकेटिंग दो शब्दों से बना हुआ है, स्काई और रॉकेट समझ सकते हैं, और स्काई रॉकेटिंग यहां एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, टेंशन आप समझते होंगे, यानी वो टेंशन जो स्काई रॉकेट कर रहे हैं, बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये स्काई रॉकेटिंग यानी बहुत तेजी से बढ़ने वाला टेंशन, तनाव, स्काई रॉकेटिंग तेजी से बढ़ना, ऊपर की तरफ उठना, सोर करना, राइज करना, दिस इज स्काई रॉकेटिंग। तो स्काई रॉकेटिंग टेंशन तेजी से बढ़ता हुआ तनाव या तेज से बढ़ते हुए तनाव ऑन यूएस चाइना टाइज, यानी अमेरिका और चीन के जो टाइज हैं, संबंध हैं, उन्हीं पर आपका एडिटोरियल लिखा गया है। यूएस एंड चाइना मस्ट रिबिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट टू अवॉइड अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर। वैसे वैसे यहां यूएस नहीं लिखना चाहिए था, यहां पे द यूएस लिखना चाहिए था, लेकिन ये शायद म्यूचुअल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं इसलिए द हटा दिया। द यूएस एंड चाइना यानी अमेरिका और चीन मस्ट रिबिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट टू अवॉइड अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर। सबसे पहले वर्ड्स देख लेते हैं बच्चों, कौन से वर्ड्स में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में, यूएस आप जानते हैं नाउन है, एंड क्या होता है, कंजंक्शन होता है, दो यहां नाउन को आपस में जोड़ रहा है, कंजंक्शन है। चाइना भी क्या हो जाएगा, नाउन, अगर एंड के पहले नाउन है तो वैसे भी जानना चाहिए एंड के बाद भी नाउन या नाउन फ्रेज ही आएगा। मस्ट आपको याद हो गया होगा, यहाँ मॉडल के रूप में है, अगर ये मॉडल है तो रिबिल्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के रूप में मेन वर्ब हो जाएगी, वर्ब के रूप में, इसे लेक्सिकल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट क्या है बच्चों, भरोसा, भरोसा क्या है, एक भावना, तो फिर नाउन हो गया, नाउन के पहले फिर म्यूचुअल क्या है, एएल, एडजेक्टिव हो जाएगा। टू अवॉइड में टू क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, क्योंकि अवॉइड में टालना होता है, तो वर्ब हो गई, तो टू क्या हो गया आपका यहाँ पे, इन्फिनेटिव। अ न्यू काइंड, काइंड क्या है, एक प्रकार, यानी नाउन है आपका, अ
अगर काइंड नाउन है तो फिर न्यू क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, तो ए क्या हो जाएगा, आर्टिकल या डिटर्मिनर। ऑफ आप जानते हैं प्रीपोजिशन है, और कोल्ड वार, वार यहां पे क्या है आपका, वार क्या है नाउन, तो कोल्ड क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। वैसे भी कैसा वार, कोल्ड वार, तो कोल्ड क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। जब किसी नाउन से आप कैसा कितना का प्रश्न करें और सीधा जवाब मिले तो आप समझ जाए वो शब्द एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है, ऐसे पहचान सकते हैं। जैसे कोल्ड वार में आप नहीं समझ पा रहे कोल्ड क्या है, तो कोल्ड कैसे पहचाने, वो वार कैसा वार जो कोल्ड था, अर्थात इसका मतलब कोल्ड क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। इस पर भी मैं आपको जल्दी ही आपको एक बढ़िया सा बना के दूंगा ताकि आप एक पहचानना सीख लें सारे शब्दों को, ठीक है। अभी पहले सारे सफिक्सेस के थ्रू शब्दों को पहचान करते जाइए आप। तो यूएस एंड चाइना यानी अमेरिका और चीन मस्ट रीबिल्ड, रीबिल्ड मीन्स पुनर्निर्माण करना, बिल्ड में री जोड़ दिया गया, पुनर्निर्माण करना, मस्ट रीबिल्ड यानी अमेरिका और चीन को फिर से निर्माण करना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास, यानी अमेरिका और चीन को आपसी विश्वास का फिर से निर्माण करना चाहिए, किस लिए, टू अवॉइड, जब किसी नाउन के बाद टू प्लस वर्ब हो तुरंत समझ जाए वो मकसद दिखा रहा है, तो किस लिए उन्हें ऐसा निर्माण करना चाहिए, टू अवॉइड, ताकि वो टाल सकें अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वार, यानी एक नए प्रकार के शीत युद्ध को वो अवॉइड कर सकें, उससे बच सकें। इसलिए अमेरिका और चीन को आपस में क्या करना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट का निर्माण करना चाहिए, पुनर्निर्माण करना चाहिए, ठीक है। कोल्ड वार बच्चों आप समझते होंगे जो मैं बताऊंगा, पहले आप इसकी टोन समझ लें। टोन यहां क्या है बच्चों, कहीं कहीं थॉट प्रोवोकिंग है, मींस क्या है, आपके विचारों को प्रोवोक करने वाले, मींस विचारों को उत्तेजित करने वाला यहां पे टोन है, जहां पे आप देखेंगे कि पूरा विश्व कहीं कहीं एक दूसरे कोल्ड वार की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं इस एडिटोरियल का जो टोन है वो थॉट प्रोवोकिंग है, ठीक है। इंफॉर्मेटिव भी आप कह सकते हैं, इंफॉर्मेटिव समझते होंगे सूचना प्रदान करना, जिसमें कई सारी चीजें भी आप जानेंगे। एक्चुअली ये पूरा एडिटोरियल आपका एक ऐसे बढ़ते हुए कोल्ड वार की तरफ है, जो कोल्ड वार 1947 से करीब 1991 तक चला था, अमेरिका और रूस, जो उस समय रूस नहीं बल्कि सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, जिसे आज हम रूस कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच एक ऐसा कोल्ड वार चलता था जिसकी वजह से ये दोनों देश एक दूसरे से एक दूसरे के शत्रु बने रहते। फिर अगर ये वार था तो कोल्ड वार क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपस में लड़ते नहीं थे, यानी कोई सैनिक लड़ाई इनमें नहीं होती थी, बस ये जब दो पक्ष भिड़ते थे तो एक एक तरफ ये जुड़ जाया करते थे, जिसकी वजह से इनके बीच में आपसी तनाव हमेशा बना रहता था। जो अमेरिका को फेवर करते थे वो वेस्टर्न ब्लॉक के नाम से जाने जाते थे, और जो रूस को, सोवियत संघ को फेवर करते थे वो किसके नाम से, वो ईस्टर्न ब्लॉक के नाम से जाने जाते, ठीक है। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का बिल्कुल डिसोल्यूशन हो गया, विघटन हो गया, तो वहां से कोल्ड वार क्या हो गया, पूरी तरह से फिनिश हो गया आपका, और फिर अमेरिका भी अपने अंदर कहीं चेंज लाया और चीजें आज थोड़ी सी बदली हुई थी। लेकिन इधर आप देख रहे होंगे, चूंकि नवंबर में क्या होने वाले हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो गवर्नमेंट है, वहां की सरकार जो है, वो चाइना को टारगेट कर रही है दो वजह से। पहला एक बहाना कोरोना वायरस का, कोविड 19 का बहाना लेकर के, और दूसरा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है अमेरिका में कुछ कमियों को छिपाने के। पैंडेमिक में उनकी भारी विफलता हुई, उस विफलता का ठीकराव किसके ऊपर फोड़ना चाहते हैं, चाइना के ऊपर फोड़ना चाहते हैं, और वहां चुनाव होने वाले हैं, तो फिर कोई कोई ऐसा शत्रु चाहिए लड़ने के लिए जिसके द्वारा वो देशभक्ति की भावना को क्या कर सकते हो, जगा सकते हो। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस समय चीन से बेहतर होस्टाइल नेशन को दूसरा नहीं मिलेगा, विरोधी देश कोई नहीं मिलेगा जिसको टारगेट कर रहे हैं, ताकि वहां के लोगों को विश्वास दिला सके अमेरिका के लोगों को कि हाँ देखो मैं अपने देश की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से क्या हूं, अवेयर हूं, मींस क्या हूं, सजग हूं। दिस इज द रीजन दिस काइंड ऑफ कोल्ड वार इज गोइंग टू बी प्रोसीड, यानी यही वजह है कि जो वार है कोल्ड वार ये आगे बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कहीं कहीं चाइना को रिटेलिएट करने का अवसर मिलना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप को कोई ना कोई ऐसा चाहिए जिसके ऊपर वो अपनी कमियों का सारा ठीक रहा क्या कर सकते हो,
फोड़ सकते हैं, अर्थात सारा वो जो गलतियां हैं वो चीन के ऊपर मच सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं द यूएस गवर्नमेंट्स डिसीजन। बच्चों जैसे ही कोई पॉजिटिव केस है ना, तुरंत समझ जाए इसके बाद आने वाला शब्द हमेशा नाउन की तरह कार्य करेगा। द यूएस गवर्नमेंट्स डिसीजन यानी अमेरिकी सरकार का निर्णय। अब यहां देखिए डिसीजन के बाद क्या है, टू बार है ना, इसका मतलब ये मकसद दिखाएगा। एक इन्फिनिटिव जब नाउन के बाद आता है तो वह एक मकसद दिखा, जैसे आई वेंट टू कानपुर, मैं कानपुर गया, टू मीट माई अंकल, टू मीट क्या दिखा रहा है, मकसद दिखा रहा है। ठीक है, तो द यूएस गवर्नमेंट डिसीजन अमेरिकी सरकार का जो निर्णय है, कौन सा निर्णय, टू बार, बार मीन्स रोकथाम करना, एक तरह से प्रतिबंधित करना, मीन्स रोक लगाना, टू बार पैसेंजर प्लेन्स, यानी पैसेंजर प्लेन्स पर रोक लगाने का अमेरिकी सरकार का जो निर्णय है, फ्रॉम चाइना, कौन सी प्लेन्स, जो चीन से आ रही हो, फ्रॉम जून 16, और ये रोक कब से लग रही है, 16 जून से लग रही है, वो निर्णय जो है अमेरिकी सरकार का, इज बट एनदर इंस्टांस, यहां बट किस रूप में है बच्चों, प्रीपोजिशन के रूप में, इज बट एनदर इंस्टांस, यह एक केवल क्या है, एक उदाहरण है, यानी एक अन्य उदाहरण के अलावा कुछ और नहीं है, ऑफ राइजिंग टेंशन, किससे इसका उदाहरण, बढ़ते हुए तनावों का, बिटवीन द टू कंट्रीज, उन दोनों देशों के बीच, दो देश हैं इसलिए देखिए बिटवीन का प्रयोग किया है। ठीक है, फिर द यूएस गवर्नमेंट डिसीजन, अमेरिकी सरकार का जो निर्णय है, टू बार पैसेंजर प्लेन्स फ्रॉम चाइना, कि चीन से आने वाली जो पैसेंजर प्लेन्स हैं इनको बार कर दिया जाए, इस पर रोक लगा दी जाए, फ्रॉम जून 16, कब से, 16 जून से, इज वो जो निर्णय है अमेरिकी सरकार का, इज बट एनदर इंस्टांस, वो केवल एक दूसरा उदाहरण है ऑफ राइजिंग टेंशन, किससे इसका, बढ़ते हुए तनावों का, बिटवीन द टू कंट्रीज, इन दोनों देशों के बीच। और ट्रेड वार, ट्रेड वार क्या होता है, व्यापारिक युद्ध, और ट्रेड वार विच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च्ड इन 2018, यानी वो व्यापारिक युद्ध, यहां द भी हो सकता था ए के बजाय तो भी बेहतर होता, अ ट्रेड वार विच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च्ड इन 2018, यानी वो व्यापारिक युद्ध जिसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च्ड शुरू किया था इन 2018, कब, 2018 में, वो ट्रेड वार इज येट टू बी रिजॉल्वड फुली, रिजॉल्व मीन्स समाधान निकाला, येट अभी तक, अभी भी, यानी वो ट्रेड वार जो 2018 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया था, शुरू किया था, इज येट टू बी रिजॉल्वड, उसे अभी भी हल किया जाना है फुली, पूरी तरह से। 2018 में जो ट्रेड वार शुरू हुआ था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसे इज येट टू बी रिजॉल्व फुली, उस ट्रेड वार का अभी भी समाधान निकलना पूरी तरह से क्या है, बाकी है। इन रिसेंट मंथ्स, हाल के महीनों में, रिसेंट में हाल के महीनों में, देखिए मंथ्स है यहां पे ना, इसलिए क्या लगाए गए, इन लगाए गया, यानी हाल के महीनों में मिस्टर ट्रंप एंड अदर ऑफिशियल्स, मिस्टर ट्रंप और जो उनके दूसरे अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, इन द एडमिनिस्ट्रेशन, किसमें, प्रशासन में, यानी प्रशासन में जो अन्य अधिकारी हैं और जो मिस्टर ट्रंप हैं, हैड अटैक्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, उन्होंने हमला किया था चाइना, किसके ऊपर, देखिए अटैक के बाद सीधे चाइना आया, यहां पे आन का प्रयोग नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि जब आप अटैक का प्रयोग करें बच्चों, ठीक है, और अटैक के बाद अगर आप सीधे आन लेते हैं और फिर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो आप ये ध्यान देख लें कि अटैक वर्ब के रूप में ना हो, अगर अटैक वर्ब के रूप में है तो आपको अटैक के बाद यहां आन की कोई आवश्यकता नहीं है, अटैक के बाद सीधे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, बट अगर इसके स्थान पे ये लिखा हो कहीं मेक एन अटैक, ठीक है, अब आप आन ले लेंगे, मेक एन अटैक, अब अटैक क्या हो गया, नाउन, तो इस नाउन के बाद आन का प्रयोग आपको कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह यूज कर लें। चलिए
करें, इन रिसेंट मंथ्स, हाल के महीनों में मिस्टर ट्रंप एंड अदर ऑफिशियल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये नाउन है देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रशासन में मिस्टर ट्रंप और उनके जो अन्य अधिकारी थे हैड अटैक्ड चाइना, उन्होंने चाइना पर हमला किया था, हमला मीन्स यहां बातों के द्वारा, ओवर किस चीज को लेकर के, ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोविड 19 पैंडमिक, इट्स किसके लिए है, चाइना को लेकर के, यानी चाइना ने जिस तरीके से हैंडल किया, संभाला ऑफ द कोविड 19 पैंडमिक, कोविड 19 महामारी को, इस हैंडलिंग को लेकर के चाइना के ऊपर कहीं कहीं प्रशासन अर्थात जो अधिकारी थे और मिस्टर ट्रंप थे, इन लोगों ने चीन के ऊपर इसको लेकर के हमला किया, किसको लेकर के, कोविड 19 पैंडमिक को लेकर के, कि किस तरीके से उसने उनको चाइना ने हैंडल किया। द यूएस हैज आल्सो डिसाइडेड, अब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, द यूएस हैज आल्सो, पढ़ते पढ़ते स्ट्रक्चर भी देख लें आप कि हैज के और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में आल्सो का प्रयोग किया गया, ठीक है। द यूएस हैज आल्सो डिसाइडेड, यानी अमेरिका ने यह भी निर्णय किया है टू एंड हांग कांग, अभी हांग कांग से ना इसके बाद नाउन होगा बच्चों, नाउन फ्रेज होगा, यानी अमेरिका ने यह भी निर्णय किया है कि टू एंड वो अंत कर देगा हांग कांग स्पेशल ट्रेड स्टेटस, देखिए नाउन है ना, नाउन फ्रेज के रूप में, यानी हांग कांग का जो स्पेशल ट्रेड स्टेटस है, यानी विशेष व्यापारिक या वाणिज्यिक जो स्टेटस अवस्था है, वह स्टेटस भी अमेरिका क्या कर देगा, उसका अंत कर देगा, कैसे, इन प्रोटेस्ट, विरोध में, अगेंस्ट बीजिंग, याद है बीजिंग से है ना, इसके बाद नाउन होगा, अगेंस्ट बीजिंग से मूव, ये मूव क्या है यहां पे, नाउन, यानी क्यों वो हांगकांग का स्पेशल ट्रेड स्टेटस अंत कर देगा, एंड कर देगा, इन प्रोटेस्ट, विरोध में ऐसा करेगा, वो किसके विरोध में, अगेंस्ट बीजिंग मूव, बीजिंग के उस कदम के विरोध में, कौन सा कदम, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ, क्योंकि बीजिंग यानी चीन जो है, टू इंट्रोड्यूस क्या कर रहा है, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, लागू कर रहा है अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ, एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून फॉर द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी उस स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए जो चीन है, वह एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट में, विरोध में, अमेरिका हांगकांग का जो स्पेशल ट्रेड स्टेटस है, उसे भी क्या कर देगा, अंत कर देगा, खत्म कर देगा, ऐसा उसने क्या किया है, निर्णय किया है। रिपीटेड टारगेटिंग ऑफ चाइना, रिपीटेड टारगेटिंग, यानी बार बार जो निशाना बनाया जा रहा है ऑफ चाइना, किसको, चीन को, यानी चीन का बार बार निशाना बनाया जाना बाय वाशिंगटन, किसके द्वारा, वाशिंगटन के द्वारा, यानी उल्टा पढ़ते बच्चों, वाशिंगटन व्हाट इज टारगेटिंग रिपीटेडली ऑफ चाइना, यानी चाइना पे, यानी लगातार निशाना अमेरिका लगा रहा है, एंड और बीजिंग्स रिटेलिएटरी मूव्स, यहां एडजेक्टिव के रूप में है ना, और बीजिंग का जो प्रतिकार स्वरूप कदम है, मेक इट लुक लाइक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू कोल्ड वॉर, फिर से देखें बच्चों, करें रिपीटेड टारगेटिंग ऑफ चाइना बाई वाशिंगटन, आसान है, यानी बाई वाशिंगटन, यानी वाशिंगटन के द्वारा चीन को बार बार क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उस पर उसकी निंदा की जा रही है, उसे लक्ष्य बनाया जा रहा है, एंड और क्या हो रहा है, बीजिंग्स रिटेलिएटरी मूव्स, और बीजिंग भी क्या कर रहा है, प्रतिशोध स्वरूप बदले में क्या कर रहा है, कदम उठा रहा है, मेक इट लुक, तो ये चीजें ऐसा प्रदर्शित कर रही हैं लाइक जैसे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज, कि विश्व की जो सबसे बड़ी और जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, हैव एंटर्ड इनटू, उन्होंने शुरू कर दिया, एंटर इनटू, उन्हें शुरू कर दिया है अ न्यू कोल्ड वार, एक नया शीत युद्ध, ऐसा लग रहा है, कैसे, क्योंकि वाशिंगटन जो है वो चीन को बार बार
टारगेट कर रहा है और बीजिंग जो है वो रिटेलिएटरी मूव्स ले रहा है, मीन्स बदले की कार्यवाही कर रहा है, जिसके उसे मेक इट लुक लाइक ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि विश्व के जो दो सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी अमेरिका और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, दूसरी जो सबसे बड़ी चीन है, ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू कोल्ड वार, ये एक नए शीत युद्ध की तरफ एंटर्ड इनटू क्या कर रही हैं, प्रवेश कर चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी हो सकता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स हैं यानी प्रशासनिक अधिकारी हैं, से वो कहते हैं द डिसीजन, ये जो निर्णय है ऑन फ्लाइट्स, किस पर, उड़ानों पर, यानी जो हवाई उड़ानों पर जो निर्णय है इज इन रिस्पांस टू, याद करें, इन रिस्पांस टू, प्रतिक्रिया स्वरूप, यानी अमेरिका के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कहते हैं यह जो उड़ानों पर निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया है इज इन रिस्पांस टू, वो क्यों लिया गया है, चाइनाज रिफ्यूजल टू अलाउ यूएस एयरलाइंस, वो इसलिए लिया गया है क्योंकि चीन ने अमेरिकन एयरलाइंस को क्या कर दिया गया है, अलाउ करने से रिफ्यूजल, इनकार कर दिया है टू रिज्यूम फ्लाइट्स टू द कंट्री, कि वो उड़ाने यानी वो एयरलाइंस टू रिज्यूम फ्लाइट्स अपनी उड़ानों को फिर से शुरू कर सके टू द कंट्री, कहां, चीन के लिए, ये यानी चीन के लिए यूएस एयरलाइंस अपनी उड़ाने फिर से रिज्यूम कर सकें, शुरू कर सकें, इसको अलाउ करने से जो चीन का रिफ्यूजल है, मीन्स इनकार है, उसी के इन रिस्पांस टू, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप फ्लाइट्स पर जो निर्णय लिया गया है वो इसीलिए लिया गया, ऐसा कौन कहता है, वहां के प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, ठीक है। चाइना हैड इंट्रोड्यूस्ड, पास्ट परफेक्ट है, चाइना हैड इंट्रोड्यूस्ड रेस्ट्रिक्शंस, यानी चाइना ने क्या लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट्स, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर इन मार्च, देखिए मार्च है ना महीने का नाम, तो इन लग गया, यानी मार्च में इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगाए थे, किसने, चीन ने, इन द वेक ऑफ, पढ़ने से बहुत फायदा, इन द वेक ऑफ के चलते, के कारण, किसके चलते उसने प्रतिबंध लगाए थे, इन द वेक ऑफ द कोविड 19 पैंडेमिक, यानी कोविड 19 पैंडेमिक के चलते मार्च में उसने फ्लाइट्स पर, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे क्या लगा दिए थे, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, यानी उन पर प्रतिबंध लगा दिया था, एंड और मोस्ट ऑफ दोज कर्ब्स, कर्ब्स भी याद है आपको ना, कर्ब्स इज इक्वल टू बच्चों रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध, एंड मोस्ट ऑफ दोज कर्ब्स, और उन प्रतिबंधों में जो मोस्ट, अधिकतर प्रतिबंध थे, आर स्टिल इन प्लेस, बी इन प्लेस मीन्स अस्तित्व में होना, बने रहना, यानी वो प्रतिबंध आर स्टिल अभी भी इन प्लेस, कहां है, लागू है, अभी वो प्रतिबंध चल रहे हैं। डिस्प्यूट्स मीन्स याद होगा विवाद, ठीक है, क्लैशेज, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स सच एज दिस, यानी विवाद, कैसे विवाद, जैसा कि यह विवाद है, कौन सा विवाद, अमेरिका और चीन का, यानी इस तरीके के विवाद कुड बी रिजॉल्व्ड, कुड बी रिजॉल्व्ड, हल किए जा सकते हैं थ्रू टॉक्स, बातचीत के द्वारा, एंड कोऑपरेशन, और आपसी सहयोग के द्वारा। चाइना हैज ऑलरेडी सेंट, प्रेजेंट परफेक्ट है, देखें ऑलरेडी दोनों के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के, चाइना हैज ऑलरेडी सेंट सिग्नल्स, चाइना ने पहले ही सिग्नल, संकेत भेज दिए हैं ऑफ डी एस्केलेशन, किस चीज के, तनाव को डी एस्केलेट करने का, कम करने, घटाने का, अलाउविंग, क्या करके, अनुमति दे करके फॉरेन एयरलाइंस की, जो विदेशी एयरलाइंस हैं, टू रिज्यूम, वो फिर से शुरू हो जाएंगी फ्लाइट्स, अपनी उड़ाने फिर से शुरू कर सकती हैं वो, ऑन अ लिमिटेड स्केल, यानी सीमित स्तर पर, सीमित पैमाने पर, स्टार्टिंग जून 8, और ऐसा उसने कब से किया है, 8 जून से शुरू करने का उसने ऐसा निर्णय किया है कि फॉरेन एयरलाइंस जो हैं
टू रिज्यूम फ्लाइट, सो वो अपनी उड़ानों को फिर से शुरू कर सकती हैं। और इस तरीके से उसने कहीं कहीं ये सिग्नल दिया है, कौन सा सिग्नल दिया है, डी एस्केलेशन, कि वो तनाव को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। वेदर आर नॉट मिस्टर ट्रंप हैज अ रीथिंग, मिस्टर ट्रंप को चाहे ये समझ में आए या ना आए, वो इस पर विचार करें या न करें, लेकिन द लार्जर प्रॉब्लम इज, जो बड़ी समस्या है, इज द यूएस ओवरऑल अप्रोच, वो यूएस की ओवरऑल कुल मिलाकर के यूएस का वो अप्रोच है, अप्रोच वो दृष्टिकोण है टुवर्ड्स चाइना, किसकी तरफ, चीन की तरफ। यानी मिस्टर ट्रंप जो कुछ भी सोचते हो इस पर पुनर्विचार करें न करें, लेकिन द लार्जर प्रॉब्लम इज, जो बड़ी समस्या क्या है, वो द यूएस ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स चाइना, वो यूएस का पूरा वो अप्रोच है, दृष्टिकोण है, किसको लेकर के, चाइना की तरफ, विच जो दृष्टिकोण हैज टेकन एन इंक्रीजिंगली होस्टाइल टर्न इन द लास्ट 4 ईयर्स। और ये जो दृष्टिकोण है, ओवरऑल अप्रोच है, विच हैज टेकन एन इंक्रीजिंगली होस्टाइल टर्न, यानी निरंतर क्या होता जा रहा है, होस्टाइल टर्न, विरोध स्वरूप बढ़ता जा रहा है इन द लास्ट 4 ईयर्स, कब, पिछले चार वर्षों में ये जो दुश्मनी है, जो विरोध है, इंक्रीजिंगली क्या होता जा, निरंतर बढ़ता जा रहा है, कौन सा, वो दृष्टिकोण जो वो चीन की तरफ, यानी चीन की तरफ अमेरिका रख रहा है, वही सबसे बड़ी क्या है, बड़ी समस्या है। जो थोड़ा सा फास्ट होना पड़ रहा है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कहीं घंटे भर के आसपास मैं लेक्चर, इसे थोड़ा समय आया, लेकिन मेन चीज़ क्या है, वर्ड्स को आप फोकस करें और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें, स्ट्रक्चर्स देखते जाएं, ठीक है। फ्रॉम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, आप कहेंगे सर यहाँ ट्रेड के, यहाँ फ्रॉम के साथ तो एंड है, नहीं बच्चों, ये एंड ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी है, फ्रॉम का कॉम्बिनेशन अभी भी देखिए 2 है यहाँ, ठीक है। फ्रॉम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी टू द पैंडेमिक एंड हांगकांग, यानी व्यापार से लेकर के, टेक्नोलॉजी तकनीक से लेकर के, और कहाँ तक, टू द पैंडेमिक उस महामारी तक, एंड हांगकांग, हांगकांग यानी व्यापार और तकनीक से लेकर के टू द पैंडेमिक एंड हांगकांग, पैंडेमिक और हांगकांग तक द बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, जो युद्ध की रेखा है, सीमा रेखा है, हैव बीन ड्रॉन, पैसिव वॉइस ना, हैव बीन ड्रॉन, यानी दोनों देश से खींच चुके हैं, चाइना यानी चीन जो है, विच द पेंटागन कॉल्ड अ रिविजनिस्ट पावर इन 2018, यानी यहां से फिर देख ले बच्चों, यानी चाहे ट्रेड का मसला हो, चाहे टेक्नोलॉजी का मसला हो, यहां से लेकर के उस पैंडेमिक तक और हांगकांग तक द बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन, युद्ध की जो लाइन्स हैं वो खींची जा चुकी हैं, चाइना चीन जो है, विच जिसे, यहां ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, जिसे द पेंटागन कॉल्ड अ रिविजनिस्ट पावर इन 2018, जिसे पेंटागन ने, मींस एक तरह से अमेरिका ने क्या कहा था, रिविजनिस्ट पावर कहा था, यानी एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत कहा था जो बार बार परिवर्तन करती रहती है, और ऐसा कब कहा था पेंटागन ने, इन 2018, ठीक है। वो चाइना इज द मेन राइवल ऑफ वाशिंगटन, वो वाशिंगटन का मेन राइवल है, मुख्य प्रतिद्वंदी है, अ पोजीशन, एक ऐसी स्थिति विच, यानी चाइना की एक ऐसी स्थिति आज है, विच जो स्थिति द सोवियत यूनियन हेल्ड, जो स्थिति पहले कौन रखता था, सोवियत संघ रखता था ड्यूरिंग द कोल्ड वार, किसके दौरान, कोल्ड वार के दौरान, यानी चाइना की, वह चाइना जिसे 2018 में पेंटागन ने क्या कहा था, रिविजनिस्ट पावर कहा था, वो चाइना इज द मेन राइवल ऑफ वाशिंगटन, यानी वाशिंगटन का सबसे बड़ा इस समय क्या है, मुख्य प्रतिद्वंदी है, आज चाइना की वही पोजीशन है, विच जो पोजीशन द सोवियत यूनियन हेल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वार, उस 1947 से 1991 के बीच जो पोजीशन सोवियत यूनियन की थी, आज वही पोजीशन किसकी है, चाइना की है। ड्यूरिंग, समझते हो बच्चों, प्रीपोजिशन होता है,
के दौरान, इसका अर्थ होता है इसके बाद हमेशा नाउन फ्रेज ही या नाउन ही आ सकता है। टाइस मीन्स संबंध बिटवीन चाइना एंड द यूएस। देखिए चाइना के पहले द नहीं है लेकिन यूएस के पहले द है क्योंकि देश के रूप में यूज किया गया। संबंध कौन से संबंध? बिटवीन चाइना एंड द यूएस। देखिए बिटवीन का रिलेशन किससे? एंड से, यानी चीन और अमेरिका के बीच जो संबंध है आर स्टिल नॉट एज बैड, यानी वो उतने बुरे अभी नहीं है एज दे वर बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूएस, अर्थात जितने बुरे रूस और अमेरिका के बीच, यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच दे वर हुआ करते थे, यानी जितने बुरे संबंध अमेरिका और सोवियत संघ के हुआ करते थे वो संबंध चीन और अमेरिका के जो हैं आर स्टिल नॉट एज बैड, वो उतने बुरे नहीं। और देखिए कॉम्बिनेशन देखिए बच्चों, एज बैड एज, यानी एज एज का कॉम्बिनेशन है। और एक चीज देख रहे होंगे आप, एज और एज के बीच में या सो और एज के बीच में हमेशा कौन सी डिग्री एडजेक्टिव की आती है बच्चों? कौन सी? पॉजिटिव डिग्री। कभी एग्जाम में आपको ऐसे दे दे, एज टॉलर एज गलत है, या सो टॉलर एज गलत है। एज एज के बीच में, सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करें। बीजिंग एंड वाशिंगटन, यानी चीन और वाशिंग अमेरिका आर स्टिल अभी भी हैं इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से एंड फाइनेंशियली वित्तीय रूप से इंटेंगल्ड, एक दूसरे से जुड़े। यानी चाहे हम आर्थिक रूप से देखें चाहे हम वित्तीय रूप में देखें, दोनों ही रूपों में चीन और अमेरिका इंटेंगल्ड, एक दूसरे से उलझे जुड़े हुए हैं। द वर्ल्ड, ये जो संसार है इज नॉट डिवाइडेड, ये डिवाइडेड नहीं, बटा हुआ नहीं है, और डिवाइड के साथ देखें इनटू है ना, यानी बटा हुआ नहीं है टू आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स, दो वैचारिक क्षेत्रों में, यानी दो विचारधारा के क्षेत्रों में, यानी ब्लॉक्स में अभी भी ये विश्व बटा हुआ नहीं है एज जैसा कि इट हैड बीन, जैसा कि विश्व बटा हुआ था ड्यूरिंग द कोल्ड वार। कब? कोल्ड वार के दौरान। जैसा कि मैंने बताया था जो द ईस्टर्न ब्लॉक था वो रूस को फेवर करता था और द वेस्टर्न ब्लॉक जो था वो अमेरिका को। अभी वो स्थिति नहीं है कि अभी ये संसार इज नॉट डिवाइडेड इंटू टू आइडियोलॉजिकल ब्लॉक, दो वैचारिक रूप के अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ नहीं है जैसा ये कोल्ड वार के दौरान क्या हुआ था? बटा हुआ था। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन सैनिक युद्ध, सैनिक टकराव जिसको आप कहते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, यानी सैनिक टकराव की जो पॉसिबिलिटी संभावना है इज वेरी लो, ये दोनों देशों के बीच में बहुत कम है। बट लेकिन द एरा ऑफ कोऑपरेशन, लेकिन वो युग ऑफ कोऑपरेशन यानी आपसी सहयोग का, पीसफुल ट्रेड यानी शांतिपूर्ण व्यापार का, एंड प्रॉग्मेटिज्म और व्यवहारिक दृष्टिकोण का दैट हैड डिफाइंड यूएस चाइना पार्टनरशिप, जिसने अमेरिका और चीन के व्यापार को, पार्टनर साझेदारी को डिफाइन किया था, परिभाषित किया था सिंस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन्स रीसेट इन द 1970s, यानी 1970 के दशक में जब रिचर्ड निक्सन्स रीसेट, एक तरह से उन्होंने अपने आप को पुनः स्थापित किया था राष्ट्रपति के रूप में, तब से जो चीन और अमेरिका की पार्टनरशिप थी यानी जो साझेदारी थी उसमें जो प्राग्मेटिज्म था यानी जो व्यवहारिक दृष्टिकोण था, जो पीसफुल ट्रेड था यानी जो व्यापारिक वो था, शांतिपूर्ण व्यापार था, और जो उनके बीच में कोऑपरेशन था, वो जो एरा उसका जो युग है सीम्स टू हैव मेड वे, कहीं कहीं वो रास्ता बना चुका है फॉर एन अग्रेसिव लीडरशिप, किसकी तरफ? एक आक्रामक नेतृत्व की तरफ, लीडरशिप कंटेस्ट, एक आक्रामक नेतृत्व प्रतियोगिता की तरफ, एंड डीपनिंग म्यूचुअल मिस्ट्रस्ट, और किसके तरफ?
डीपनिंग गहरे होते हुए म्यूचुअल मिस्ट्रस्ट आपसी अविश्वास की तरफ। ठीक, मैं समझ रहा हूं आप पूरा नहीं समझ पाएंगे। देखिए बच्चे यहां क्या कहे, 1970 के दशक में क्या हुआ कि जो वहां के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे, रेसेक, उन्होंने पुनः स्थापित किया था क्या, एक ऐसी पार्टनरशिप किसके बीच में, यूएस और चीन के बीच में। जो जो पार्टनरशिप थी वह किस पर आधारित थी, व्यावहारिक दृष्टिकोण पर, पीसफुल ट्रेड पर आधारित थी और कोऑपरेशन पर आधारित थी। लेकिन वो जो युग था, वो जो एरा था, वो एरा अब सीम्स प्रतीत होता है टू हैव मेड वे, कहीं ये बदल चुका है, अपना रास्ता बनाता जा रहा है फॉर एन अग्रेसिव लीडरशिप कंटेस्ट। यानी अब इस एरा में क्या हो रहा है कि कहीं कहीं अग्रेसिव लीडरशिप कंटेस्ट हो रहा है, यानी अमेरिका और चीन के जो नेता हैं अर्थात जी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के बीच में कहीं कहीं आक्रामक नेतृत्व की लड़ाई चल रही है एंड डीपनिंग म्यूचुअल मिस्ट्रस्ट, और उस प्रॉग्मेटिज्म की जगह अब एक गहरा होता हुआ आपसी अविश्वास घर करता जा रहा है। ठीक है, एंड और विद मिस्टर ट्रंप डेस्परेटली, याद है डेस्परेटली मैंने बताया था आपको, बहुत निराशापूर्वक, हताशापूर्वक, व्यग्रतापूर्वक, यानी एंड और विद मिस्टर ट्रंप डेस्परेटली लुकिंग फॉर एन एनिमी, यानी मिस्टर ट्रंप क्या चाह रहे हैं, बड़ी व्यग्रतापूर्वक चाहते हैं, तलाश कर रहे हैं एन एनिमी, एक ऐसे शत्रु की टू ब्लेम, जिस पर वो आरोप लगा सकें फॉर द मिसफॉर्च्यून्स, उन दुर्भाग्यों के लिए, उन आपदाओं के लिए दैट जो आपदाएं फेल ऑन अमेरिका, किस पर आ गिरी, आ पड़ी हैं अमेरिका पर, आ पड़ी हैं इन एन इलेक्शन ईयर, वो भी कब, एक ऐसे साल में जब चुनाव होने वाला है, दैट हैज बीन बैटर्ड, वो ईयर दैट हैज बीन बैटर्ड, जिसने कहीं कहीं उनको परेशानी में डाल दिया है, उनको परेशान किया है, यानी कहीं कहीं मिस्टर जो ट्रंप हैं वो बड़ी ही निराशा में, बड़ी ही हताशा में लुक फार कर रहे, तलाश रहे हैं एक ऐसे शत्रु की जिस पर वो इस सब का क्या डाल सकें, ब्लेम कर सकें, अमेरिका जिन मिसफॉर्च्यून्स को आज क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, वजह भी आप समझते होंगे इन एन इलेक्शन ईयर, ये साल कौन सा है, चुनावी साल है बच्चों, आप समझ सकते हैं, और दैट हैज बीन बैटर्ड बाय द पैंडेमिक, वो अमेरिका जो कहीं कहीं इस पैंडेमिक के द्वारा परेशान हो चुका है, एंड और द डीपेस्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न, और अमेरिका में क्या आ चुकी है, डीपेस्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न, डाउनटर्न याद है बच्चों, रेसेशन, मंदी, अर्थात अमेरिका बहुत बड़े आर्थिक मंदी का शिकार हो चुका है सिंस द ग्रेट डिप्रेशन, कब से, इस ग्रेट डिप्रेशन से था, जब से ये निराशा का दौर शुरू हुआ। टेंशंस विद चाइना, जो चीन के साथ तनाव है, आर एक्सपेक्टेड, कहीं कहीं वो अपेक्षित है टू स्काई रॉकेट, की बहुत तेजी से वो तनाव बढ़ेंगे इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में बच्चों, और कब तक पता है, गारंटी रखिए बच्चों, यहां तक नवंबर तक, यहां तक चीन के साथ उनके तनाव क्या करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है। वाशिंगटन जो अमेरिका है, वांटेड, वो चाहता था एन एनिमी, उसे कोई शत्रु मिल जाए, एंड इट किसके लिए है, वाशिंगटन या अमेरिका के लिए है, एंड इट फाउंड इट, और उसे वो शत्रु मिल गया इन चाइना, किसके अंदर, चीन के अंदर, यानी अमेरिका को एक शत्रु की तलाश थी और वो शत्रु कौन मिल गया, चीन के रूप में मिल गया। अनलेस, अनलेस के साथ कभी भी नॉट, नेवर ना लीजिएगा बच्चों, अनलेस खुद ही नेगेटिव होता है, अनलेस द लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज चेंज देयर कोर्स, जब तक दोनों देशों के जो नेता हैं चेंज देयर कोर्स, वो अपना रास्ता नहीं बदल लेते हैं, एंड रीबिल्ड द लॉस्ट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, और तब तक जब तक कि वो खोए हुए आपसी विश्वास को रीबिल्ड, पुनः नहीं बना लेते हैं, तब तक अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वार, एक नए प्रकार का शीत युद्ध वुड बी फोर्स्ड अपॉन द वर्ल्ड, इस विश्व पर क्या किया जाता रहेगा, थोपा जाता रहेगा,
कब तक? जब तक कि दोनों नेता अपना रास्ता बदल नहीं लेते हों और वो आपसी विश्वास को क्या नहीं कर लेते हों, रिबिल्ड नहीं कर लेते हों, तब तक ये विश्व इसी प्रकार के शीत युद्ध को क्या करता रहेगा, झेलता रहेगा, इस पर थोपा जाता रहेगा। वर्ड से बच्चों जल्दी से देख लें, स्काई रॉकेटिंग याद हो गया आपको, एक यहां एडजेक्टिव के रूप में है अर्थात तेजी से बढ़ता हुआ, ठीक है, इंक्रीजिंगली अर्थात बहुत तेज से बढ़ता हुआ। कोल्ड वार नाउन के रूप में है, शीत युद्ध। रिटेलिएटरी यहां एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया था, नाउन लिखा लेकिन यहां एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया था, प्रतिशोधात्मक। कर्ब्स नाउन है, मीन्स प्रतिबंध, रोकथाम। इंक्रीजिंगली एडवर्ब है, एलवाई, इंक्रीजिंग में एलवाई यानी निरंतर बढ़ता हुआ। आइडियोलॉजिकल सी ए एल है यहाँ पे, ए एल यानी एडजेक्टिव के रूप में क्या है ये, आइडियोलॉजिकल वैचारिक, विचारधारा से संबंधित। डिफाइन वर्ब है, परिभाषित करना। लुक फॉर फ्रेजल वर्ब है, तलाश करना। एडमिनिस्ट्रेशन टी आई ओ एन है यानी नाउन के रूप में प्रशासन। मूव वर्ब के रूप में आगे बढ़ना और नाउन के रूप में कदम, स्टेप। टाइज प्लूरल बनाया गया, मीन्स नाउन है आपका, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, संबंध के रूप में है। बार यहाँ पे अगर वर्ब के रूप में लेते हैं तो बार में अवरोध लगाना, रोकथाम लगाना, बैन करना जिसको आप कहते हैं। इंटर इनटू फ्रेजल वर्ब है, शुरू करना, आरंभ करना। डिस्प्यूट्स प्लूरल है नाउन के रूप में अर्थात झगड़े, विवाद, क्लैशेस। होस्टाइल एडजेक्टिव है यानी विरोधी। ब्लॉक्स प्लूरल है नाउन, क्षेत्र। अग्रेसिव आई वी ई है मतलब नाउन, अरे एडजेक्टिव है, आक्रामक। फॉल ऑन फ्रेजल वर्ब है, पढ़ना, किसी के ऊपर आ पढ़ना। हैंडलिंग एडजेक्टिव हो सकता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, वर्ब के रूप में हो सकता है, संभालने का कार्य। रिबिल्ड वर्ब है आपका, रिबिल्ड मीन्स पुनः निर्माण करना। राइजिंग एडजेक्टिव है आपका, राइजिंग मीन्स बढ़ता हुआ। रेज्यूम वर्ब है आपका, रेज्यूम मीन्स जारी रखना मतलब पुनः शुरुआत करना, रीस्टार्ट करना। रीसेट अगर हम नाउन के रूप में लें तो रीसेट किसी चीज को पुनः सेट करने का कार्य, और वर्ब के रूप में लें तो फिर से सेट करना। रिविजनिस्ट आई एस टी है यानी नाउन के रूप में जो किसी चीज को रिविजन करता हो, संशोधित करता हो। एरा नाउन है युग के रूप में। कंटेस्ट नाउन है मीन्स प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता। बैटर्ड यहां एडजेक्टिव रूप में हो सकता है और वर्ब के रूप में भी हो सकता है यानी जिसने परेशान किया। पैंडेमिक नाउन है महामारी। वट म्यूचुअल एडजेक्टिव है ए एल यानी ये आपका आपसी। रिजॉल्व वर्ब के रूप में यहां पर है, हल करना, समाधान निकालना। इन रिस्पॉन्स टू ये फ्रेज है आपका, के प्रतिक्रिया स्वरूप। कोऑपरेशन टी आई एन नाउन है आपका, इसका मतलब आपसी सहयोग। राइवल ए एल यानी एडजेक्टिव है आपका, राइवल में प्रतिद्वंदी, ये नाउन के रूप में भी आप काम कर सकते हैं बच्चों। प्रॉग्मेटिज्म आई एस एम यानी नाउन है, व्यवहारिक दृष्टिकोण। मिसट्रस्ट नाउन है, अविश्वास की भावना। डाउनटर्न नाउन है यानी एक तरह का डिक्लाइन, रिसेशन, मंदी। स्टेटस नाउन है किसी चीज का लेवल, उसका स्टेटस, उसकी अवस्था। एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, प्रशासनिक। ट्रस्ट नाउन है भरोसा, विश्वास, बिलीफ। रिसेंट एडजेक्टिव है हाल का। रेस्ट्रिक्शन टी आई एन नाउन है प्रतिबंध, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन। डीएस्केलेशन टी आई एन नाउन है किसी चीज में तनाव वगैरह में कमी आने का कार्य। एंटेंगल एडजेक्टिव रूप में भी है, वर्क रूप में भी हो सकता है, उलझे हुए। कन्फ्रंटेशन टी आई एन नाउन है यानी आपसी टकराव, टकराव को कहते हैं, झगड़े को कहते हैं आप। डेस्परेटली एडजेक्टिव प्लस एलवाई यानी एडवर्ब के रूप में है अर्थात निराशापूर्वक, हताशापूर्वक, व्यग्रतापूर्वक। डिप्रेशन एस आई ओ एन यानी नाउन है निराशा। अवॉइड यहां वर्ब के रूप में है, बचना, दूर रहना, अवॉइड करना। ऑफिशियल्स नाउन है अधिकारी। इन द वे का फ्रेज है, के चलते, के कारण। अप्रोच नाउन है दृष्टिकोण, आउटलुक, सोच। ठीक है बच्चों, ये जरूर इस सारी चीजें आप देखते जाइएगा बच्चों और सपोर्ट करते रहें, बनाए रखें अपना। मैं जानता हूं कभी कभी थोड़ा सा मुझको फास्ट होना पड़ता है क्योंकि टाइम भी मैनेज करना होता है, क्योंकि कई सारे बच्चे ये कह चुके हैं
एक घंटे के आसपास सर आपके लिए चला करे। लेकिन बच्चे आप ये भी सोचिएगा जरा कि अगर मैं कई सारी चीज़ में जोड़ रहा हूँ, आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो सकता है, कहीं उसके लिए बहुत बुरा न माना करिए। वो आप ही के लिए, मैं जितनी जल्दी पढ़ा लूँगा मैं उतना जल्दी खाली हो जाऊँगा, बट आप ही के लिए है। अगर मैं समय ले रहा हूँ कहीं पर, इसका मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो चीज़ आप तैयार करें, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ रिमाइंड करना चाहूँगा, आप क्या करें, सारे शब्दों को बेहतर तरीके से तैयार कर लें जो पढ़ते जा रहे हैं, सारे सफिक्सेस को आप तैयार करते जा रहे हैं, नाउन एडजेक्टिव और वर्ब मैंने दे दिए, सारे वर्ड्स की पहचान करें, जो मैंने सारे वर्ड्स दिए थे पीछे आपको एक्सरसाइज रूप में, सारे वर्ड्स देखिएगा। अगर आपको लगे कि आप वर्ड्स नहीं समझ पा रहे कमेंट में जरूर बताइएगा, सर ये शब्द आपको समझ में नहीं आया। वैसे अगर आपने सारे सफिक्सेस तैयार कर लिए होंगे तो जरूर आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं कल के सेशन में 9 बजे सुबह मैं आपसे मिलूंगा, और फिर देखते हैं एक नए सेशन के साथ, कुछ नए वर्ड्स के साथ, नई विचारधारा, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, हमेशा खुश रहना, ठीक है, खुश रहना हमेशा।